ना इडली ना डोसा, देखिए कितने ही टेस्टी नाश्ते बने हैं। अब इसको बारिश के समय ये बच्चों के लंच के लिए और ये तो टी स्नैक्स ये भी आप बना सकते हो फ्रेंड्स, कभी भी इसको आप बनाओ। अब बच्चे लंच में भी बहुत लाइक करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको बनाती हूँ। बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं तीन इंग्रेडिएंट्स का यूज की हूँ, जो कि घर में अक्सर रहते हैं और सब बना सकते हैं, इस बात के लिए मैं ख्याल रखते हुए बना रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार आप बनाओगे तो कम से कम दो तीन बार तो आप बना ही लोगे, लगातार आप बनाओगे दो तीन रोज। तो फ्रेंड्स चलिए इसको बनाती हूँ। बनाने के लिए मैंने ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ सूजी ली हूँ एक कटोरी, एक कटोरी यहाँ चूड़ा है मतलब पोहा, और एक कटोरी ही दही ली हूँ, तीनों इन्ग्रीडियंट्स साथ में लिए हैं। और पहले पोहे को धो लेती हूँ इसको पानी में, धोने के लिए मैंने यहाँ एक छन्नी लगा दी हूँ, छन्नी के ऊपर पोहे डाल को इसको पानी में धो लेती हूँ। दो तीन कटोरी इसमें पानी डाल दिए हैं, ये ठीक से धुल गए हैं। तो देखिए इसमें पानी डाल दिए, ये थोड़ा ड्राई था तो थोड़ा ये गीले भी हो गए हैं। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं और इधर सूजी को पीस लेते हैं। तो सूजी को ग्राइंड कर लेते हैं ठीक से, जितना फाइन हो सके, मैं सूखा ही पीस रही हूँ, जितना फाइन हो सके उतना फाइन इसको पीस लें, जितना ये पिसा सके फाइन। तो चलिए इसको पीसते हैं। पीसने के बाद देखिए मैंने इसको एक बर्तन में रख दी हूँ और उसी में मैंने यहाँ पोहे को डाल रही हूँ। पोहे थोड़े गीले हैं मतलब इसको भिगा दी हूँ, गीले नहीं भिगा दी हूँ, तो ये अगर नहीं पिसाएंगे तो इसमें मैं दही डाल दे रही हूँ। जो दही देखिए एक कटोरी दही भी ली हूँ, ये घर के दही है, आप खट्टे दही भी डाल सकते हो, ये इंस्टेंट दही है, मतलब आप घर में रात में दे दो और सुबह में इसको बना सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ तीन चार हरी मिर्च भी डाल दी हूँ, ये चटपटे के लिए, जो स्टेपिंग करेंगे उसमें तो तीखे डालेंगे ना, ऊपर इसमें डाल दिए हैं तो बहुत ही चटपटे बनेंगे। उसके बाद देखें मैंने इसको पीस ली हूँ पोहे को, पोहे अगर नहीं पिसा रहे तो सारे दही भी आप डाल सकते हो, और देखिए थोड़ी सी पानी भी मिक्स कर सकते हो, जैसे से हो सको मतलब पोहे ठीक से पिसा जाए, आपका फाइन हो जाए उतना आप पीस लें। चलिए इन दोनों को मिला दिए हैं, अब इन दोनों को ठीक से मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें जितने दही बचे हुए उसको भी डाल देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी भी थोड़ी सी डालेंगे। तो चलिए इसको मिलाती हूँ, मिलाने देखिए ऐसे इसको मिला लेते हैं। और देखिए ये इसमें और पानी लगेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये अभी, ये सूजी है इसमें भी पानी सोखेंगे और पोहे में भी पानी सोखेंगे। तो ये थोड़ी देखिए मैंने दही को डाल दी हूँ, एक चम्मच जैसा दही बचा है, बाद बाकी सबको डाल दी हूँ, उसको भी डाल देंगे। चलिए इसको मिला लेती हूँ, पहले देखते हैं कितना गीला ये होते हैं। उसके बाद देखिए ये अच्छे से मिल गए हैं। इसको बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, जस्ट इडली जो होता है उसी तरह आप इसको मिलाएं। और सारे दही को मैंने अभी यहाँ डाल दी हूँ, और देखिए ये बैटर इस तरह तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी और भी पानी डाल देंगे, पाँच मिनट इसको रेस्ट छोड़ दिए हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल रही हूँ, अब देख रहे हैं रेस्ट के बाद ये थोड़ा हार्ड ही है, तो इसमें पानी डाल देती हूँ, दो तीन चम्मच इसको पानी डाल के मिला देते हैं। रेस्ट इसलिए छोड़ दिए ताकि ये फूल जाए अच्छे से। उसके बाद मैंने एक चम्मच नमक भी डाल दी हूँ, नमक में भी पानी छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें नमक भी मैं काला नमक डाल दी हूँ, और इस बैटर को दो बर्तन में रख ली हूँ, आधे को मैंने एक कटोरी में निकाल ली हूँ और आधे मैं इसमें इनो डाल रही हूँ, आधा चम्मच जैसे इनो है, जैसे आप एक पैकेट लाओगे एक सेचे तो उसको आप आधा डाल दें और आधा इसमें छोड़ दें। अब एक बर्तन थाली ली हूँ, और एक थाली को देखिए मैंने यहाँ ग्रीस कर ली हूँ तेल से, ये घी से आप किसी से इसको ग्रीस कर लें। उसके बाद उस बैटर को इसमें डाल दी हूँ जिसमें इनो डाले थे। इधर कढ़ाई में पानी गर्म होने दे दी थी, उसमें स्टैंड लगा दी हूँ, उसके ऊपर से नीचे एक कटोरी रख दी है, वो स्टैंड लगा के इस थाली को रख दे रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ शिमला मिर्च इसको काट ले रही हूँ, और दो आलू को उबाल ली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ शिमला मिर्च कट गया है अच्छे से, उसको छोटे छोटे काट ली हूँ, और यहाँ आलू को उबाल लिए हैं, और दो आलू उबले हुए आलू ले ली हूँ। इसको बहुत ज़्यादा चोखा की तरह नहीं बनाना है, हाथ से ही इसको दरदरा थोड़ा छोड़ देते हैं, जैसे शिमला मिर्च काटे हैं दरदरा वैसे ही देखिए छोटे छोटे काटे। अब यहाँ प्याज भी ले सकते हो फ्रेंड्स, मैंने प्याज का यूज नहीं की हूँ, लहसुन प्याज का, विदाउट लहसुन प्याज का है। तो देखिए ये सबको ऐसे ही, अब चलिए इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने के लिए फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी मसाले है, पास्ता मसाला है या तो फिर पाव भाजी मसाला है, मैगी मसाला है, कुछ भी डालो, लेकिन मैं यहाँ पास्ता मसाला डाल रही हूँ। अब पास्ता मसाला आप डालोगे तो लाजवाब स्वाद लगेंगे फ्रेंड्स, बनाते बनाते आप बर्दाश्त इसको खाने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। मैंने यहाँ एक चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी हूँ, ये यहाँ जीरा और
काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर भी उसमें मिक्स है। यहाँ देखिए पास्ता मसाला है, एक पैकेट इसमें मैंने डाल दी हूँ। वो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें ला रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सबको मिला देते हैं। यहाँ नमक भी मैं काला नमक डाल रही हूँ, काला नमक इस टेस्ट को बढ़ा देंगे। और देखिए ये पास्ता मसाला ये मैं एवरेस्ट का डाली हूँ, आप किसी का भी डाल सकते हो, पाव भाजी है वो भी आप डाल सकते हो, नहीं तो मैगी मसाला भी है उसको भी आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स और यहाँ नमक को मिला देते हैं। चलिए अब सबको मिला लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिलाना है, हाथ से थोड़ी थोड़ी रब कर देते हैं। और इसको अब स्टफिंग के लिए ये तैयार हो गए हैं, तो चलिए स्टफ करते हैं। वहाँ भी पक गया। और यहाँ देखिए मैंने एक चम्मच जैसा आमचूर पाउडर डाल दी हूँ, ये और भी चटपटा बना देंगे। और बिना विदाउट सॉस का आप इसको टी स्नैक्स ऐसे भी आप खा, बच्चे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ खट्टा मीठा तीखा सब हो गया है फ्रेंड्स। मीठा नहीं मतलब तीखा नमकीन, इतना टेस्टी बने हुए हैं ये स्टफिंग कि अंदर जैसे मुंह में डालेंगे तो बच्चे को सॉस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। ऐसे बड़े भी इसके बहुत दीवाने हो जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए स्टफिंग तैयार है इधर कढ़ाई में अच्छे से, देखिए ये बन के तैयार है। नीट को हम उसको ढक्कन को निकाल दिए हैं और देखिए हाथ इसमें लगा रही हूँ तो ये नहीं चिपक रहे हैं, बहुत ऊपर से बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ, गैस का फ्लेम थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि फिर उसमें डालना ही है। तो चलिए अब इस बैटर को जो पहले रखी हुई थी दो बर्तन में निकाली थी, तो उसको मैं अब यहाँ इनो डाल देते हैं इसमें। और इनो डालने के बाद फिर उसके ऊपर स्टफिंग करने के बाद इसमें डाल देते हैं इनो जो बचे हुए, मतलब एक सेचे आप लिए हो तो आधे उसमें डाले हो, पहले आधे इसमें डाल दो। मैंने आधा आधा चम्मच करके एक चम्मच दोनों में डाल दिए हैं। इसको मिला लेते हैं, देखिए अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से देखिए पूरे एकदम जालीदार बन जाते हैं। जैसे आप इनो डालो ये पूरे जालीदार बनने लगते हैं और इसी से ये फूलने के फॉर्म में आ जाते हैं। तो चलिए अब इसको उसी बेटर में, बेटर के ऊपर पहले स्टफिंग जो डाले हैं उसको हम डाल देते हैं इसमें। आलू जो भी आप भेजी इसमें रखे हो सब्जी, वह सारे सब्जी आप कुछ भी इसमें, जो भी सब्जी आपको पसंद हो, प्याज वगैरह भी पसंद हो आप इसमें डाल दो। और उसके बाद इसमें अच्छे से फैला दिए हैं चारों ओर, देखिए पूरे थाली में। उसके बाद मैं इसको बेटर को भी इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से फैला देते हैं, पूरे इसको फैला देंगे। और जो वहाँ पानी मैं गर्म हो रहा था उसको छोड़ दी हूँ, उसमें और थोड़ी सी पानी डाल देंगे और इसको डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ कढ़ाई में जो पानी था उसको भी और एक गिलास पानी डाल देते हैं ताकि ये जले ना। और चलिए अब इसको थाली को उसी में रख देती हूँ। जब भी आप इसको डालो तो क्या हुआ, गैस का फ्लेम कम रखें ताकि ये खोले नहीं, जब उबलेंगे स्टेन इधर उधर होंगे, इसके लिए आप ध्यान रखें। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए थाली को डाल दी, बैटर थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए बड़ी थाली को डाल रही हूँ। और ढक्कन छोटे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे क्योंकि ये सूजी है, ये फूलेंगे भी पकते पकते, ये लगभग 1.5 इंच फूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ थाली को ठीक से कवर कर दी हूँ और चलिए इसको 7 से 8 मिनट छोड़ देते हैं पकने के लिए मीडियम आँच में। उसके बाद इसको देखेंगे, तो देखिए 7-8 मिनट बाद मैंने यहाँ इस ढक्कन को निकाल के थोड़ी सी चेक कर रही हूँ। तो देखिए साइड में ही देखिए मैं चाकू से तो नहीं, थोड़ी सी चिपक रहे हैं, तो इसको और 2-3 मिनट छोड़ देते हैं। चलिए अब इसको देखिए यहाँ तैयार हो गया है, 2-3 मिनट बाद मैंने इसको निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद इसको मैं आप किसी टाइप में इसको स्क्वायर टाइप में काट सकते हो, किसी भी आप ग्लास के गोल करके आप काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा का स्टाइल दे रही हूँ, पिज़्ज़ा की तरह काटने, क्योंकि बच्चे बहुत इसको पसंद करेंगे। तो चलिए इसको मैं उसी शेप में काट लेती हूँ और वो आपको दिखाती हूँ ये कितने स्पॉन्जी बने हुए हैं, जालीदार अंदर से भी, और देखिए ये चिपक नहीं रहे ऊपर से भी, एकदम अंदर से ऊपर से बहुत ही स्पंज बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी, देखने में भी देखिए कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। देखिए देखिए कितना स्पंज बने, पूरा जालीदार एकदम बने हुए ना। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। आप इसको कभी भी लंच में या टी स्नैक्स ऐसे शाम में इवनिंग में आप बना सकते हो फ्रेंड्स और खा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में घी ली हूँ, घी या तेल कुछ भी आप लें उसमें इसको एक मज़ेदार टेस्ट देने के लिए। तो देखिए
ये कितने अच्छे बने, एकदम परफेक्ट बने हुए हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार। देखिए देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो मत पूछिए, बहुत ही स्वाद। आप बनाते बनाते खाते इसको रोक नहीं पाओगे फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको कभी भी बना के खाओ, सुबह के लंच में, बच्चों के लंच में आप दें, ये तो इवनिंग टी में।